अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सलमान असलम। आज हम आए थे सिटी हाउसिंग, एक भाई की काफ़ी दिनों से फरमाइश थी कि आप सिटी हाउसिंग पे एक डिटेल व्लॉग बनाएं, तो आज मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के आ जाया हूँ सिटी हाउसिंग में। तो इसकी जो मेन मेन चीज़ें हैं ना, वो हम आपको बताएँगे, जैसे कि रेस्टोरेंट है, सिनेमा है और सिटी हाउसिंग का ज़ू है, एक स्कूल है, इस तरह की जो मेन मेन चीज़ें हैं वो हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। तो अभी एंट्रेंस आपने देख ली है, तो अभी चलते हैं आगे और आगे फिर आपको दिखाते हैं जगह जो जो भी यहाँ पे है। तो चले फिर चलते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है चाइना रेस्टोरेंट, चाइना सिटी रेस्टोरेंट। सिटी हाउसिंग के अंदर एक रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है ये। हमने एक दो फंक्शन यहाँ पे अटेंड किया है, तो खाना वगैरह तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यानी कि स्टैंडर्ड अबव स्टैंडर्ड। तो अगर आप आएँ सिटी हाउसिंग तो चेक ज़रूर करें। ये जो पीछे आप मेरी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये चाइना सिटी रेस्टोरेंट। हाँ जी, तो ये है जी जो सिटी हाउसिंग के अंदर स्कूल है, इसका नाम है मिलेनियम रूट्स स्कूल। हाँ, यही नाम है। तो सिटी हाउसिंग के अंदर जो लोग रहते हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए ये इन्होंने स्कूल है। तो नाम इसका है मिलेनियम रूट्स स्कूल और इसकी जो गूगल पे मैंने रेटिंग चेक की थी वो थी 3.5। तो मतलब अच्छा ही स्कूल होगा, अगर सिटी हाउसिंग में है तो अच्छा ही होगा भाई। तो चलें, स्कूल आपने देख लिया, अब चलते हैं आगे और आगे चल के देखते हैं और कौन सी जगह आती है। तो चलते हैं फिर आगे। ये है जी सिटी हाउसिंग का सबसे जो मेन फाउंटेन, फाउंटेन पार्क, मेन फाउंटेन पार्क जो है ना सिटी हाउसिंग का, ये है। इस पे ये देखते हैं थोड़े से वो बने हुए हैं, मोनूमेंट्स भी बने हुए हैं, ये अगर आप देख सकते हैं, ये देखते हैं आप, ये तो इसको फाउंटेन चौक भी बोलते हैं वैसे। तो यहाँ पे फाउंटेन है काफ़ी अंदर करके मेन, पता नहीं अभी वो वर्किंग में है कि नहीं, तो लेकिन फ्यूचर का इनका यही प्लान है। तो ये मेन चौक है, आप देख सकते हैं गाड़ियाँ आ रही हैं। तो चलें फिर। हाँ जी जी, तो दोस्तों ये है सिनेमा, ओपेरा सिनेमा, पता नहीं ओपेरा या ओपरा, ओपरा सिनेमा। ये इसकी एंट्रेंस है और ये सारी बिल्डिंग है। इस वक्त तो कोई नहीं, यहाँ पे खाली है सारा। तो इस पर हमने आए हैं, वैसे एक दो दफ़ा हमने मूवी भी देखी है, तो काफ़ी अच्छा है इनके समय। लेकिन सियालकोट की सबसे अच्छी स्क्रीन जो है ना, वो मुझे इसी सिनेमे की लगी, काफ़ी अच्छी स्क्रीन है, कलर रेजोल्यूशन वगैरह हर चीज़। तो चलें, सिनेमा आपने देख लिया, अब चलते हैं आगे, देखते हैं अब आगे क्या चीज़ है। तो चलें।
कि ये है जी, ये दूसरा जो गेट है ना सिटी ऑफ सिंह का, जो इमनाबाद रोड की तरफ से है, ये वो वाली साइड है। ये जो ऊपर आप मोनूमेंट्स देख रहे हैं, ये जो शेर बने हुए हैं, ये पहचान है जी सिटी ऑफ सिंह की। तो ये बाकी ये ज़ू है, सिटी ऑफ सिंह का ज़ू। तो लेकिन यहाँ पे अभी मेरे ख्याल में पहले तो काफ़ी जानवर थे, लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई भी नहीं है, शायद खाली कर दूँ। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे हम अक्सर बच्चों को मैं लेकर आता हूँ, यहाँ पे ये स्लाइडें वगैरह, बच्चे काफ़ी खुश होते हैं, बहुत किस्म के यहाँ पे ये देखें, बड़े अच्छे अच्छे फ्लावर इन्होंने लगाए हुए हैं। आप देखें, देखें देखते हैं कोई जानवर अगर यहाँ पे है, कोई एनिमल। वैसे तो ज़ू है लेकिन बगैर एनिमल के ज़ू है इस वक्त, तो देखते हैं अगर कोई है तो चलें दिखाता हूँ मैं आपको। नहीं, सारी जगह देख रही हैं तकरीबन, सब जगह पे खाली हैं, ज़ू में कोई एनिमल नहीं है बिल्कुल इस वक्त, फ़िलहाल खाली हैं। कभी हम अक्सर आते हैं, कभी होते हैं, कभी आज नहीं है, कोई जानवर नहीं है। तो कोई नहीं, फिर कभी अगर चक्कर लगेगा तो फिर आपको दिखा देंगे। यहाँ पे शेर होते हैं, बारहसिंगे होते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें, इन्होंने पहले काफ़ी रखी हुई थी लेकिन अब बिल्कुल कोई भी नहीं है। तो चले, बहरहाल आपको दिखाना था, ये इनका ज़ू है सिटी ऑफ सिंह का। तो काफ़ी चीज़ें अब आपको दिखा दी हैं, तो चले फिर चलते हैं अब आगे, कहीं और को देखते हैं कुछ। ये मॉस्क है जी, मस्जिद है सिटी ऑफ सिंह में, मस्जिद काफ़ी अच्छी है, बहुत प्यारी मस्जिद है। अच्छा भाई, ये मैंने एक चीज़ दिखानी थी आपको, ये जो घर आप देख रहे हैं, ये मुझे सिटी ऑफ सिंह में जो सबसे अच्छा घर लगता है ना, जो प्यारा घर है, वो ये वाला है। ये मैं अभी आपको करीब से भी जाके दिखाता हूँ। मेरी ख्वाहिश है जी कि मैं कभी ज़िंदगी में इस तरह का घर खरीद सकूँ, दुआ कीजिएगा आप मेरे लिए। तो चलिए आपको दिखाता हूँ, ये भी एक समझ लें कि एक मोनूमेंट की तरह ही है, बहुत ही प्यारा घर है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी एंट्रेंस दिखाता हूँ वहाँ आगे से, चलें। ये जी, ये जो एरिया है, ये सारा मेन एरिया, इनका प्रॉपर्टी डीलर जो है ना, वो सारी दुकानें यहाँ पे हैं इनकी, ये मेन एड्रेस के बाद आता है। तो ये सारा एरिया प्रॉपर्टी के वाले से मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। अगर आपने यहाँ पे कोई 5 मरले का प्लॉट अगर आप देखेंगे, तो वो तकरीबन आपको कोई ए ब्लॉक में अगर आप देखेंगे, वो 45 लाख के आगे पीछे आपको मिलेगा। तो वही प्लॉट जो 5 मरले का है, वो बी ब्लॉक में जो है वो आपको 35 के आगे पीछे मिलेगा। तो इससे आप आगे मल्टीप्लाई कर लें, 10 मरले का और एक कनाल का, उसको मल्टीप्लाई कर लें तो उतनी कीमत है। एक कनाल का जो प्लॉट है वो तकरीबन 1.5 करोड़, 1.5 से 2 करोड़ के दरमियान है यहाँ पे ए ब्लॉक में। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने कहा चलो आपको बता दूँ। आज का जो ब्लॉग है वो बस यही था, काफ़ी यानी कि टाइम हो गया, तो अभी चलते हैं फिर, आज की वीडियो बस यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।